नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर महानगर की दो विधानसभा में आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग करेंगे। बता दें कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज 22 सितंबर को महाकौशल के गढ़ जबलपुर में निकलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साल 2018 में एक जीती और एक हारी सीट पर जनता का आशीर्वाद लेंगे। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में सीएम चौहान की पब्लिक मीटिंग भी होगी। भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने बताया, जबलपुर महानगर की दो विधानसभा में आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग करेंगे। जबलपुर संभाग की यात्रा सह प्रभारी अभिलाष पांडे ने बताया कि महाकौशल क्षेत्र की यह जन आशीर्वाद यात्रा आज दोपहर 3 बजे पश्चिम विधानसभा में गौतम जी मड़िया से प्रारंभ होकर संजीवनी नगर, शाहीनाका, पंडा मड़िया, गढ़ा बाजार, बीटी तिराहा, शारदा चौक होते हुए रतन नगर पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री आम सभा को संबोधित करेंगे। अभिलाष पांडे ने आगे बताया कि इसी तरह कैंट विधानसभा की यात्रा शाम 4:30 बजे गोकलपुर सामुदायिक भवन से प्रारंभ होगी। यह व्हीकल मोड़ रांझी दर्शन तिराहा मस्ताना चौक होते हुए बड़ा पत्थर में समाप्त होगी, जहां मुख्यमंत्री चौहान दूसरी आम सभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ महाकौशल की यात्रा का समापन जबलपुर में होगा। यहां बता दें कि जबलपुर की पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी को पिछले 2 चुनावों से हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कैंट विधानसभा सीट लगातार 6 बार से बीजेपी के खाते में जा रही है। माना जा रहा है कि कैंट विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक अशोक रोहाणी को बीजेपी एक बार फिर मौका देने जा रही है, जबकि पश्चिम विधानसभा सीट के लिए पार्टी ने अभी किसी भी नाम को फाइनल नहीं किया है। पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे और रिटायर्ड IAS वेद प्रकाश शर्मा के नाम टिकट की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।